छोटे बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म ले आए हैं प्रदीप सरकार। फिल्म है हेलीकॉप्टर एला। इसमें है लीड रोल में काजोल, देन रिद्धि सेन, नेहा धूपिया और कामिनी खन्ना। ये फिल्म कहानी है इला की, जो एक सिंगल मदर हैं, उनके साथ है उनके बेटे विवान यानी रिद्धि सेन। इला एक हेलीकॉप्टर पेरेंट है। ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को उनकी मी स्पेस नहीं देते, हमेशा उनके आसपास रहना चाहते हैं, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं और बहुत सारी अटेंशन हमेशा देते हैं अपने बच्चों को, जो उनको जरूरत भी नहीं होती। कहानी ऐसी है इला की, जो अपने बच्चे के आसपास रहना चाहती है। विवान एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और वो अपनी माँ से थोड़े वक्त दूर रहना चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पाता और उसकी माँ उसके कॉलेज में ही एडमिशन ले लेती है। फिर जैसे ही उस माँ को अपने डूबते हुए सपने दिखाई देते हैं तो याद आता है उनका वो करियर जो अपने बेटे के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, नेहा धूपिया का मिलता है सपोर्ट और काजोल अपने सिंगिंग करियर को रिवाइव करने की कोशिश करती है। तो इस कमाल की कहानी में 90s का दौर भी है और साथ ही प्रेजेंट जनरेशन के इश्यूज भी। हेलीकॉप्टर एला 100 में से आपके 70 रुपए वसूल करा सकती है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि इसमें काजोल है। कहानी में बहुत सारा झोल है।